और वहाँ में लड़ाई भी हो सकती है आई थिंक, मतलब 2-3 किलोमीटर पीछे एक कला का प्रसाद जो बहुत लाजवाब है। भाई चैनल को लाइक करिएगा, इतनी दूर आए आपके लिए वीडियो बनाने, हमारे भाई इतनी दूर से वीडियो बनाने आए आपके लिए पहाड़ों पे, हम थक गए ऊपर आते आते। ये देखो भाई माँ का प्यार, तो अतुकारी जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। आगे भाई अतुकारी के पास हम क्या बात है, क्या सीन है देखो, ऊपर से ये देखो भाई रेलवे स्टेशन देखो, ये रेलवे स्टेशन है, मतलब पूरा शहर है, पूरा शहर दिख रहा भाई, बहुत ऊँचे आ चुके हैं और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे उस टाइम। फाइनली अपा पहुँच चुके हैं अतुकारी मंदिर में, और अब माता के दर्शन करेंगे, धोक मारेंगे और फिर आगे जाएंगे, और फिर वहाँ पे धोक मार के वहीं पर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे सुबह। तो भाई ये ब्लॉग थोड़ा आपको लेट मिलेगा पर मिल जाएगा, तो इस देरी के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन भाई सपोर्ट कर देना ब्लॉग को, इतनी दूर आए हैं भाई देख लो ब्लॉग बनाने के लिए, तो भाई सपोर्ट कर देना प्लीज़। ये देखो भाई माँ का प्यार, वो देखो भाई वो अतुकारी है, और अतुकारी से हम निकल चुके हैं, और भाई चैनल को लाइक करिएगा, इतनी दूर आए आपके लिए वीडियो बनाने, हमारे भाई इतनी दूर से वीडियो बनाने आए आपके लिए पहाड़ों पे, हम थक गए हैं ऊपर आते आते, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी जैसा मर्जी पियो आप, और मतलब पूरी सुविधा करके ठंड के अंदर एक नंबर चीज़ है भाई ये। तो भाई अतुकारी से अपन निकल चुके हैं और ठंड हो गया तो चलिए अपने कमरे वगैरह ले लिए, और अब भाई अपा आगे जाके माता वैष्णो देवी पे। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ देख लो ब्लॉग्स के लिए, इतनी दूर आया हूँ मैं, कम से कम 800-900 किलोमीटर पड़ता है, तो प्लीज़ भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना भाई को। और भाई अब आगे कैसे दिखाते हैं भाई अतुकारी में, हम कल आके मत्था टेकेंगे क्योंकि यहाँ पर भी टोकन हमें मिला नहीं है। पहाड़ों के नज़ारे देखो भाई क्या बात है, आसमान नीचे रह गए हैं और हम ऊपर आ गए हैं भाई। इधर को भाई इतने ऊपर आया है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं, लाइक भी नहीं करते बंदे, ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, क्या लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो भाई, एक बटन ही दबाना यार है। हाँ भाई हमारे हाथ पैर ठीक है, यहाँ पर डंडे लेके चल रहे हैं हम। ठीक है भाई ठीक है, अब तूने बोल दिया गोल्डी, आप सब्सक्राइब करेंगे सारे भाई। देखो ये रात का समय है, ये वाइब है रात की ऊपर से, ये देखो ये वाइब है भाई रात की, और भाई अब बहुत ऊपर आ चुके हैं, ऊपर पानी यार हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, तो भाई अभी अभी थोड़ी कमी सी हो रही है, और भी ऊपर जाएंगे, तो यार देखते रहना हमारे साथ वो लोग। वो देखो भाई यहाँ पे चांद का नज़ारा, पहाड़ियों के बीच में समुद्र भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है। रात का नज़ारा देखो भाई क्या बात है, चमकीला चमकीला है, कदम कदम धरते जाओ जय माता ही करते जाओ भाई, बहुत ऊपर आ चुके हैं यार, थक लिए बहुत ज़्यादा यार, रात नींद भी पूरी नहीं, आंखें लाल हो रही हैं, और गाड़ा माल नहीं खा रखा भाई, वैसे लाल हो रही है, सो मतलब सोए नहीं था रात इसलिए। तो भाई आ दिखाते हैं आपको आगे सीन, पहुंच चुके हैं यहाँ पे भैया, ये माता का मंदिर है और एंट्री यहाँ से हो रही है। लाइट ही लाइट भाई चारों तरफ, उसका गोल्डी पता करेंगे भाई। ये देखो वहाँ पे एक कोका कोला गिर गई है और उसको चाटने लग रहे हैं भाई बंदर। अभी हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी मंदिर के पास, और यहाँ पे 2-3 किलोमीटर पीछे एक कला का प्रसाद जो बहुत लाजवाब है और बिल्कुल निःशुल्क है,
कोई पैसा नहीं, माता का प्रसाद लेते हैं, लेते हैं अगले लोग ग्रुप में। अब हम कुछ ही दूर हैं माता के मंदिर से, और जितनी भी गलतियां हो गई हैं और जितनी भी नादानियां हो गई हैं उन सबकी माफ़ी मांगेंगे और आगे अच्छा हो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और सारे समाज का सारे देश का भला हो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, आपकी श्रद्धा है। तो मिलते हैं फिर आगे माता के मंदिर में, धन्यवाद भाई। चमत्कार की बात बताता हूँ, अब हमने माता का प्रसाद खाया यहाँ पे, और माता के प्रसाद खाए बाद थकावट नहीं रही भाई शरीर में, फ्री सा फील हो रहा है, अच्छा सा फील हो रहा है, फ्रेश सा फील हो रहा है। और अब दवा दब ये हो रहा है कि बस मंदिर में पहुँचो, तो भाई अब कुछ भी हो जाए थोड़ी देर में मंदिर में होएंगे हम। और वहाँ पे देखा, वहाँ पे तो यार कैमरा अलाउड नहीं, आई थिंक कैमरा अलाउड नहीं वहाँ पे, और जितना हो सके हम दिखाएंगे। तो भाई देखते रहना आप, और वहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है आई थिंक, मतलब ये तू मैम हो सकती है किसी के साथ, क्योंकि अब वहाँ पे कैमरा यूज़ करेंगे और कोई अपना रुकेगा, तो देखते रहो भाई कैसे आ गए यहाँ पे। और नीचे भाई ये सीधी खाई है भाई, मतलब एकदम खड़ी खाई है। और ये पत्थर देखो भाई क्या चीज़ है, वाइट वाइट कलर के। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप माता वैष्णो देवी आ रहे हो ना, तो चिंता माता वैष्णो देवी तो है। यहाँ पे कंबल, गर्म पानी और सब सुविधा भाई निशुल्क मिलती है, ठीक है। प्रसाद भी मिलता है आपको, आपने देखा, दिखाया मैंने आपको, ठीक है। और गर्म पानी का सिस्टम दिखाऊंगा, आप गर्म पानी का सिस्टम कैसे है। तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप माता के पास आए अपनी अपनी इच्छा से और अपने पूरे लगन से, और माता आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगी और सबका भला करेंगी। ओ भाई ये क्या नज़ारे हैं भाई मंदिर के, पहुँच ही गए हम मंदिर के पास सब। और फिर ये देखो ये यहाँ पे भैरव जी की चढ़ाई है, और अभी हम एक बार यहाँ पे जाएँ मेहता वैष्णो देवी के मंदिर में, उसके बाद करेंगे वहाँ की चढ़ाई। और ये देखो भैया क्या है, यहाँ पे इतनी अच्छी स्मारक बना रखी है माता जी की, और ये हनुमान जी की भी स्मारक बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ये देखो डिजाइनिंग, और ये माता जी का दरबार है, ये मतलब दरबार नहीं है, मतलब बाहर की आउटलुक है। और ये देख लो भाई आउटलुक, अंदर में तो आ चुके हैं, लेकिन ये अंदर फोन ले जाने की परमिशन नहीं दे रहे, और भाई से रिक्वेस्ट भी करनी करते नहीं दे रहे, तो अब यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा फोन। ये है सुबह का नज़ारा, और अब हम जाएंगे भैरव पर, और वहाँ पे बनाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे क्या सिस्टम है। और ये देखो जगमग जगमग कर रही है सारी माता, बर्फ भी बढ़िया है, बर्फ हाथ में लेने चलते हैं बर्फ। और उधर उधर भी देखो बर्फ जम रही है, देखो पहाड़ों में भी बर्फ जम रही है। कुमन्नी देवी टीन पे देखो सारी बर्फ बर्फ हो रही है इधर, जहाँ कहीं हाँ भाई बर्फ है देखो, शिमला वाले जा रहे हैं यहाँ पे, ठंडी ठंडी ऊपर से आ रही है। ये देखो भाई दो 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 ये भी बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ भाई हल्दी है। तो भाई वो बंदा इंजीनियर बैठा वहाँ पे पालकी पे, वो चेकिंग कर रहा है उसकी, ठीक है कि नहीं। और ये देखो पालकी भैरव जाने के लिए पालकी देखते रहो भाई, यहाँ से माता मंदिर देखो भाई कैसा लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। भाई वो देखो उस साइड सूरज निकल चुका है, अरे साइड है धूप नहीं आ रही,
ढका हुआ है ये। भाई भैरव मंदिर पे ऐसा नजारा है देखो।